नमस्कार दोस्तों, आज के शो में बात करने वाले सी एस एस एंड एनिमेशन देखने वाले यूजिंग डोम। डोम का यानी कि एचटीएमएल डोम का यूज़ करेंगे हम सी एस एस और एनिमेशन थोड़ा बहुत दिखाएंगे, ठीक है। सी एस एस में ज़्यादा नहीं, चेंजिंग करना हुआ चेंजिंग करने का मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कलर है, टेक्स्ट है, साइज है, वो हम दिखाएंगे और कुछ इवेंट का थोड़ा बहुत दिखा देंगे, ठीक है। एचटीएमएल में सॉरी सी एस एस में ज़्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि जितने टैग तो बहुत सारे हैं, ठीक है, और सारे टैग में तो मैं दिखा नहीं सकता, बट एक आध एग्जांपल हम लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि चेंज कैसे करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट से चेंज कैसे होता है, मतलब डॉम से यूज चेंज कैसे होता है, तो वो चीज़ दिखाएंगे। बट इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आई डी स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी न्यू वैल्यू। ये मेरे लास्ट थियोरिकल वीडियो में बताया था, बट प्रैक्टिकली नहीं करता था, ठीक है। तो क्योंकि सी एस एस का पार्ट है तो ऑब्वियसली सी एस एस वाला जब पार्ट आए तभी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ये यूज़ होगा और यूजिंग इस मेथड से मतलब होगा, ठीक है। यूजिंग इवेंट भी देख लेंगे, तो एचटीएमएल डॉम अलाउ यू एग्जीक्यूट कोड व्हेन द इवेंट अकर्स। यहाँ पे कोड जो एग्जीक्यूट करता है जब इवेंट पे आप अकर्स करते हो, मतलब कुछ इवेंट पास करवाते हो, तब एक कोड को एक कोड एग्जीक्यूट होता है। इवेंट आर जनरेटेड बाय द ब्राउजर व्हेन डूइंग द हैपन टू एचटीएमएल। जो इवेंट होता है वो ब्राउजर जनरेट करता है, व्हेन थिंग हैपन कुछ होने वाला है, कुछ करना है, तब एचटीएमएल एलिमेंट्स पे ये करता है, क्या करता है, यानी एलिमेंट क्लिक ऑन जब मतलब क्या होना चाहिए, एलिमेंट पे क्लिक ऑन हो या फिर द पेज एज लोडर लोड हो या फिर इनपुट फील्ड आर चेंज, कुछ फील्ड में चेंज हो, ठीक है। मतलब जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स होते हैं या फिर जो भी इनपुट बॉक्स होते हैं इसमें चेंज हो, तो ये कुछ इवेंट पास करते हैं ब्राउजर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ है। और एनिमेशन में थोड़ा दिखा दी कि यूजिंग डोम, जिसमें बेसिक वेब पेज हम क्रिएट करेंगे, उसमें एनिमेशन कंटेनर क्रिएट करेंगे, साथ साथ में स्टाइल करेंगे उसको एलिमेंट्स में, और एनिमेशन कोड बनाएंगे, और एनिमेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट, नॉर्मल एनिमेशन और एनिमेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट, दोनों चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। और ये ज़्यादा नहीं, एक ही एक प्रैक्टिकल ही हम लेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे, बाकी तो आप अपने हिसाब जैसे एनिमेशन करना है यूजिंग डोम वैसे कर सकते, ठीक है। तो चले चलते हैं मेन टॉपिक पे और जाते हैं प्रैक्टिकल पे, जहाँ से मैं आपको बेहतर आइडिया से समझा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ प्रैक्टिकल में, और यहाँ पे हम ले लेंगे, पहले तो कोई पी टैग ले लेते हैं, कोई भी टैग ले सकते हो, ऐसा नहीं, मैं आई डी दे देता हूँ इसकी, आई डी वन, ठीक है। मैं हिंद लिखूँगा, वन आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वर्ड दे देता हूँ, हेलो टेक्नो नीर, यहाँ पे मैं टेक्नो नीर दे दिया, राइट। ये पी दे दिया, दूसरा पी नॉर्मल एक दूसरा दे लेते हैं, जिसमें आई डी देता है टू, या फिर वन ही दे देते, या फिर आई डी टू दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं टू पे यहाँ पे चेंज करूँगा, बाद में मिक्स कर देंगे। टेक्नो नीर ये सिर्फ लिखता हूँ मैं, ठीक है। ये पी पे मैंने टेक्नो नीर लिख दिया, कंट्रोल एस कट है। अब सपोज मुझे कुछ यहाँ पे सी एस एस लगाना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे सी एस एस में आपको देखा होगा स्टाइल लगा के मैं सी एस एस लगा सकता हूँ। कलर, इसका कलर लगा देंगे कोई भी, मतलब ठीक है आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, फिक्स नहीं है। ब्लू कर दूँ मैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू, ठीक है। वो पहला वाला आपको बताऊँ, नॉर्मल डायरेक्ट इनलाइन चीज, ये इनलाइन सी एस एस है, बट मैं यूज़ करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट से, इसमें चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आई डी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, और यहाँ से आई डी गेट करेंगे क्योंकि मुझे चेंज कहाँ पे करना है, तो चेंज जो करना है वो टू वाले आई डी में करना है, ठीक है। और टू वाले आई डी में यहाँ से मैं कोटेशन में दे देता हूँ, क्या चेंज करना है, डॉट स्टाइल डॉट कलर। सपोज मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, राइट, तो क्या करूँगा मैं, कलर, ठीक है, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, इक्वल कोटेशन में लिख दिए, इस कलर का नाम रख देते हैं रेड, मतलब इस लाइन का कलर कर देते हैं रेड, कंट्रोल एस करते हैं, तो देखिए अप्लाई हो चुका, रेड हो चुका। इसी जगह कुछ और चेंज करना है, मुझे चेंज करना है, कंट्रोल सी मैं कर दूँगा, एक और पेस्ट कर देता हूँ, दो तीन कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या चेंज करना है मुझे, ये पूरा निकाल दे, चलो ठीक है, फॉन्ट चेंज करना है मुझे, फॉन्ट चेंज करना है, इक्वल फॉन्ट क्या रखना है, मीडियम लार्ज जो भी करना चाहता, मैं लार्ज कर देता एक बार, ठीक है, लार्जर होगा साइज में, सब लार्ज में नहीं है, लार्जर आएगा, लार्जर, और कंट्रोल एस कर दे, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करा, फॉर्मेट कर देते हैं अभी, यार सही है ना, यहाँ पे फॉन्ट अलग होता है, फॉन्ट साइज करना है ना, साइज को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज आएगा, कंट्रोल एस, तो अब देखिए इसकी साइज इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। और स्मॉल करना है तो स्मॉलर कर दो, ठीक है, यहाँ से मैं
स्मॉलर कर देता हूँ, कंट्रोलाइज करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जो भी आपको करना है इस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज मुझे कुछ और चेंज करना है, इसको निकाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डॉट चेंज करते हैं, ऐप पे जाते हैं, फॉन्ट पे ही जाते हैं, चलो ठीक है, फॉन्ट फॉन्ट पे क्या है, और फॉन्ट साइज हो चुका, स्टाइल हो चुका, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे देख लेते हैं, तो इक्वल यहाँ से फॉन्ट फैमिली बहुत सारी होती है, वरदाना, एरियल, फिर सनसेप, ये सब कुछ फॉन्ट फैमिली होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे एरियल का यहाँ पे ले लूँ, राइट, एरियल, कंट्रोल एस करते हैं, तो ये जो वर्ड है वो एरियल में आ चुका है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ है, इसका यूज़ कर सकते हो। सपोज मैं इसका बैकग्राउंड कलर लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं ये सब कुछ कहाँ पे चेंज करूँ, ना तो मैं इनलाइन सीएसएस कर रहा हूँ, ना तो कहीं और कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी बात करें, ये तो इनलाइन सीएसएस है, लेकिन इसकी बात करें, इसमें कहीं इनलाइन सीएसएस है नहीं, एक्सटर्नल सीएसएस है नहीं, इंटरनल सीएसएस है नहीं, तो ये कहाँ पे हो रहा है, स्क्रिप्ट के बीच में हो रहा है, और ये इसको डॉम कहते हैं, राइट। तो मतलब कि यूजिंग स्क्रिप्ट आप डॉम चेंज करते हो, यानी कि एचटीएमएल चेंज करते हो, नोड में चेंज करते हो, तो फिर एलिमेंट में चेंज करते हो, तो उसको डॉम कहते हैं, ठीक है, यूजिंग स्क्रिप्ट करते हैं। तो ये चीज़ है, मैं बैकग्राउंड कलर दे लेता हूँ उसका, ये बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर कोई भी आप देख सकते हो, दे सकते हो, तो इसका रेड से मैं येलो कर देता हूँ, कंट्रोल एस, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर आ चुका है येलो, राइट। तो इस तरह से मतलब ये तो सारी कुछ तीन चार प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी, बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। इन केस मुझे इसमें भी ये सेम यूज़ करना है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से क्लास का नाम चेंज कर दूंगा, सिंपल सा यहाँ पे टू कर दूंगा, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, तो यहाँ पे भी ये अप्लाई कर जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता कि सेम क्लास का जो कोई भी आप एलिमेंट हो सेम क्लास का, तो वो सिर्फ एक ही एक पे ही, जो भी आप प्रॉपर्टी या भी जो भी लगा रहे हो यहाँ पे स्टाइल में, वो एक पे ही अप्लाई करेगा, दो पे अप्लाई नहीं करेगा। जैसे कि हम सीएसएस में देखते थे, जहाँ पे जितने भी एक आप क्या बोलते हैं सीएसएस स्टाइल लगाते थे, या फिर एक फाइल बना ले सीएसएस स्टाइल एक्सटर्नल इंटरनल, या फिर सुडो क्लास करके, या जैसे भी मतलब, ठीक है, एक टेक क्लास का नाम करके उसमें प्रॉपर्टी डाल देते थे, तो वही क्लास नेम आप हर जगह लगा दो, जितने भी जगह चेंज करना हो उसे, तो वो सारी जगह अप्लाई करता, सारे एलिमेंट सारी प्रॉपर्टीज में अलाउ करता था, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी अलाउ करते थे। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा, जिसमें दो आईडी है फिर भी एक पे ही अप्लाई करेगा, दूसरे पे अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, मैं जैसे ऊपर किया तो नीचे नहीं करा, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे जावास्क्रिप्ट में, और यह कह सकते हैं डॉम में। तो ये हो चुका बेसिक, एक आदमी ने समझा दिया, बाकी तो बहुत सारे जो भी टैग हो या फिर एलिमेंट हो जिसमें आप जो भी जिस तरह से यूज़ करना है कर सकते हो, ठीक है, ये कुछ बेसिक मैंने दिखा दिया। आप थोड़ा इवेंट का देख लेते हैं, कुछ नहीं यार, इवेंट में कुछ नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल सा क्या, एक बटन ले लो और बटन के अंदर क्लिक हो तब ये चेंज हो, बस वही तो है, इसको इवेंट कहते हैं। इवेंट में और बहुत कुछ होता है, माउस लोड, माउस स्क्रोल लोड अप, ये सब कुछ की अप, ठीक है, तो ये सारी इवेंट है, और वो आपको पता होगा, सीएसएस में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो भी देख लेना। तो क्या करते हैं हम नॉर्मली, यहाँ पे एक बटन बना दें, ठीक है, जैसे मैं एक बटन बना लेता हूँ और बटन में पास करवा देंगे, पहले तो ये क्लिक हियर कर देते हैं, क्लिक हियर फॉर चेंजिंग, ठीक है, तो ये मैं स्पेलिंग गलत है बट फिर भी चेंजिंग CSS या फिर एड CSS लगा सकते हो, जो भी हो, ठीक है, एक बटन में बना दिया, ये देखिए क्लिक हियर फॉर चेंजिंग CSS। अब इसमें क्या करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट लगा दे, जब क्लिक हो तब, ऑन क्लिक का ये रहा, इसमें क्या पास करवाना है हमें, सपोज मुझे ये फर्स्ट वाला चेंज करना है, फर्स्ट वाला मतलब यहाँ पे लगाना है कंट्रोल सी, और इसमें यहाँ पे पेस्ट करवा देते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ से एक कोटेशन को निकाल देंगे, यहाँ पे क्या है, हमने बाहर दो कोटेशन लगाए, ये सही है ना, इसमें तो कोटेशन आएगा, लेकिन अंदर वाला कोटेशन सिंगल आएगा, क्योंकि दो जगह अलग अलग आना लाना पड़ेगा, तो अंदर वाला ये रहेगा। और अब यहाँ पे क्या चेंजिंग करना है, तीन चार हो गए क्या, यहाँ पे दो आएंगे, सॉरी एक ही आएगा ना, एक जो एक कौन सा है देखना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी बाहर वाला, और ओके यहाँ से क्या है कि आप एक बाहर रख रहे हो डबल कोटेशन, तो अंदर सिंगल ही यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल ही करना पड़ेगा तभी अप्लाई करेगा, वरना नहीं करेगा, ये याद रखोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगा दिया, कंट्रोल एस करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं,
मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो, लेकिन ये तो गलती हुई ना हमें, हमें क्या करना था, ये स्क्रिप्ट अभी बंद कर देते हैं, इसमें कमेंट कर देते हैं या निकाल लो चलो ठीक है, और इसमें ये भी निकाल देते हैं, बाय डिफॉल्ट कलर निकाल देते हैं, कंट्रोल एस, तो अभी नॉर्मल वही है, बट मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका है ठीक है, और ये रेड वाला है तो ऑब्वियसली, सपोज मुझे कुछ और ऐड करना है सीएसएस तो भी कर सकता हूँ मैं, मतलब कि यहाँ पे ये सिंपल सा एक क्लिक इवेंट यहाँ पे कर सकता हूँ, क्लिक पे जैसे हो तो यहाँ पे चेंज हो जाए। अगर मैं सपोज यहाँ पे स्टाइल में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर को हम दे लेते हैं बैकग्राउंड कलर ठीक है, और ये रेड कर देता हूँ कंट्रोल एस, तो अभी देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, मतलब ये क्लिक इवेंट कहता है, मतलब इवेंट हैंडलर यहाँ पे कह सकते हैं, इवेंट कह सकते हैं उसको, और ये क्लिक पे काम कर रहा है ठीक है। तो ये बेसिक सीएसएस है जिसे आपको आइडिया आ चुका होगा कि क्लिक वाला में दिखा जाए और एक बेसिक दिखा जाए पहले कि कैसे क्या करना है ठीक है। तो वैसे इसमें तो और भी आप टैग यूज़ कर सकते हो, और भी सीएसएस चेंज करना तो कर सकते हो ठीक है। तो ये एचटीएमएल से, मतलब एचटीएमएल सॉरी एचटीएमएल सीएसएस तो हो रहा है, लेकिन यूजिंग स्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट में हो रहा है, और इसको डॉम कहते हैं ठीक है। तो ये चीज़ है, जावास्क्रिप्ट से आप नोड में चेंज करो, एलिमेंट में चेंज करवा रहे हो, तो ये मैंने दिखा दिया एचटीएमएल। अब थोड़ा एनिमेशन का भी देख लेते हैं साथ साथ में, एनिमेशन ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये इस प्रॉपर्टी स्टाइल और प्रॉपर्टी न्यू स्टाइल करके देखा करा ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एनिमेशन देख लेते हैं एक बेसिक वेब पेज क्रिएट करके पहले। अब एनिमेशन क्या करे, क्या करेंगे इसको कर देते हैं कमेंट से अनकमेंट, एक काम करते हैं इसको तो कमेंट करेंगे ही साथ साथ में, मैं एक बैक ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बैक ले लिया है, इसको कमेंट से अनकमेंट यहाँ पे कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल मुझे दिखाना है, और अनकमेंट ये कमेंट का प्रॉब्लम आता है ना, तो बार बार तो क्यों दिमाग का दही करे। ये बटन वाला मैंने कर दिया है, बटन वाला भी आपने देखा होगा बिजली ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसको भी कर देते हैं अनकमेंट सॉरी कमेंट, तो ये इस चीज इस मेथड से नहीं हो रहा, इसको जावास्क्रिप्ट सॉरी एचटीएमएल में है तो इसको इस मेथड से करना पड़ेगा, ये वाली मेथड जिसमें स्क्रिप्ट नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे इसको लास्ट में बंद कर लेते हैं बटन के आगे ठीक है। तो ये हो चुका और स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो चुकी ठीक है, तो मतलब ये प्रॉपर हो जाएगा, वापस नॉर्मल मोड में आ चुका, और ये ब्लू वाला निकाल देते हैं, एक आध निकाल दे चलो ठीक है, एक ही रखते हैं, और कंट्रोल एस करते हैं, और इसका अब यानी चेंज कर देते हैं, नहीं वो एक सही था ना, एक में ये इसमें चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट, तो यहाँ पे सारे कमेंट कर दिए, अब एक ही रखा मैंने, और इसका जो चेंज कर देंगे हम आईडी एनिमेशन ठीक है, मैंने एनिमेशन लिख दिया इसमें, और एनिमेशन क्या करेंगे, पहले तो स्क्रिप्ट में जाते हैं और इसमें एग्जांपल वन कर देते हैं, एग्जांपल वन, और ये हमेशा कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलती आपको आउटपुट नहीं देती, मैंने लास्ट एक आध वीडियो में आपने देखा होगा ठीक है, कुछ तो या कुछ डायरेक्ट कमेंट हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, पता नहीं क्या है। तो ये चीज़ है, अब यहाँ पे एनिमेशन देख लेते हैं, एक क्रिएट किया ये पीआईडी जिसमें टेक्नो ने लिखा, बट ये जो है टेक्नोलॉजी में डी में ले लेता हूँ, मतलब कंटेनर में ले लेता हूँ, राइट डी यानी ये कंटेनर बनाएंगे, और यहाँ से मैं इसको डी में ले लेता हूँ ठीक है, और ये भी डी यहाँ पे ख़त्म होगा डी राइट, तो ये हो चुका डी यहाँ पे एंडिंग हो चुका, यहाँ पे आईडी दे देते इसका कंटेनर, कुछ भी नाम दे सकते हो कंटेनर, बट मैं कंटेनर बना रहा हूँ, इसका नाम कंटेनर दे दिया, और ये कुछ इस तरह से बीच में आ चुका, मतलब कंटेनर भी बना दिया, और साथ साथ में ये हमने लिख लिया ठीक है। इसको भी डी में आप क्रिएट कर सकते हो, तो डी करके आईडी करके कर सकते हो, लेकिन मैं पी में लिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर कुछ चेंजिंग करना होगा तो बाद में कर देंगे, फिलहाल इस टाइम आप इस तरह से देख सकते हो। बट मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पे एनिमेशन लगाना चाहिए, इस टेक्स्ट पे मुझे कुछ एनिमेशन चाहिए, तो कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे जाएंगे हेड सेक्शन टाइटल, टाइटल के बीच में यहाँ पे स्टाइल लगा देंगे ठीक है, और टाइटल के बीच में नहीं लिखे, हेड के बीच में, तो यहाँ पे हैशटैग लगाना ज़रूरी है, आईडी है वरना इसलिए ठीक है, अगर क्लास लगाते हैं तो डॉट लगाना ज़रूरी है, कंटेनर कंटेनर, और इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज डाल देते हैं, जैसे कि हेट नॉर्मल डाल देते हैं, हेट डाल देते हैं 200 पिक्सल, विड्थ डाल देते हैं इसकी 200 पिक्सल, दोनों सेम रखते चलो ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है
वो आपको ध्यान रखिए, पोजीशन हमेशा रिलेटिव रखिएगा। फर्स्ट अगर मेन चीज़ है उसकी पोजीशन हमेशा रिलेटिव रखेगा। मतलब क्यों रखना है, क्योंकि अगर कोई चेंजिंग करना है तो इस मेन की अकॉर्डिंग जो साइज होगी, मेन की मेन जिस पोजीशन पे हो उसके अकॉर्डिंग बाकी का जो भी आप एनिमेशन लगा रहे हो उसका पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, तो ये भी देखें, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ साथ साथ में। कलर क्या रखते हैं, ब्लू रखते हैं, और बैकग्राउंड कलर भी इसमें रख देते। चलो ठीक है, बैकग्राउंड कलर रख देते येलो। ये मैंने बैकग्राउंड कलर लिख लिया, कंट्रोल एस करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन चुका है, देखिए। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इस अंदर वाले टेक्स्ट में एनिमेशन लगाता हूँ। ये नॉर्मल एक बॉक्स बन चुका है, ठीक है। और इसके लिए मुझे सी एस एस सेम यूज़ करना होगा, सेम तो नहीं, थोड़ा बहुत चेंज कर लिया। मैं इसमें थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा चेंज करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, और यहाँ पे क्या आईडी का नाम क्या था, एनिमेशन, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ से कंटेनर के पास यहाँ पे लगा देते हैं, सेकंड वाला जो कॉपी किया वहाँ पे। ठीक है, पहले वाला तो मेन होगा ही। इसकी साइज कम कर देते हैं, इसकी साइज मुझे एनिमेशन होता है तब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए मैं 100 पिक्सल या फिर 50 पिक्सल कर दूँ। ठीक है, ये 50 पिक्सल वीट, 50 पिक्सल हेट कर देते हैं, और इसका पोजीशन आपको एब्सोल्यूट रखना है। और इसका इस टाइम एब्सोल्यूट करने के बाद कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन कर दिया मैंने, ये प्रॉपर ग्रीन तो नहीं है बट जो भी आरजीबी कलर लगा दिया। और इसका येलो से रेड में लेके जाते हैं, ठीक है, और ये रेड हो चुका समथिंग। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं इस टाइम, तो इसका जो वैल्यू है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, सी एस एस लगा उसको, वो ये इस तरह से। बट इसमें क्या दिक्कत आई कि जो अंदर का फॉन्ट है वो प्रॉपर दिख नहीं रहा, तो वाइट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आरजीबी कलर लग चुका है इस दोनों में। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, मतलब इस तरह से इसका पोजीशन एब्सोल्यूट, हमने हाइट 50 पिक्सल करा, वेट 50 पिक्सल करी, तो ये खिसक गया। मतलब सपोज मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, 100 पिक्सल करता हूँ, ठीक है, तो ये इसी अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए इसका 100 पिक्सल ये कुछ इस तरह से होगा, और इसका 100 पिक्सल ले लेते हैं, 150 कर देते, चलो ठीक है 150 पिक्सल करते कंट्रोल एस, तो ये इस तरह से मतलब पूरा कवर करेगा। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो भी आपको कैसे चेंज करना है, कैसे नहीं चेंज करना। ठीक है, ये एनिमेशन सॉरी क्या बोलते हैं, सीएसएस कुछ इस तरह से आप लगा सकते हो, बेसिक आइडिया, मतलब सॉरी सिंपल जो हम सीएसएस एचटीएमएल में करते आ रहे हैं, बट यूजिंग जावास्क्रिप्ट कैसे करेंगे, मतलब डॉम का यूज़ करके कैसे करेंगे, तो ये भी तो आप जानना है। हम डॉम सिखा रहे हैं, हम डॉम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली डॉम से तो भी सीखना है। ये तो हमने डायरेक्ट तो कर दिया, ये तो आप सबको पता है, क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस देखा होगा तो ये तो पता होगा आपको, बट हमें डॉम से कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। तो उसके लिए एक बटन बनाएंगे साथ साथ में यहाँ पे। ठीक है, जब बटन पे क्लिक हो तभी ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बटन बनाते हैं, बटन, और यहाँ से क्लिक हियर करके क्लिक हियर, और अभी यहाँ पे फंक्शन वगैरह लगाए के बाद में, ठीक है, तो ये चीज़ बाद में करेंगे, लेकिन स्क्रिप्ट में जाते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और इसमें माई फन या फिर माई एनिमेशन लिख लेते हैं, माई एनिमेशन फंक्शन का नाम बना लेते हैं, और ये फंक्शन यहाँ पे बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, और क्या वेरिएबल में ए एक्स वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, एक्स वेरिएबल में क्या करते हैं, यहाँ पे पोजीशन इसकी जीरो कर देते हैं, ठीक है, पोजीशन जीरो, लेकिन दूसरा वेरिएबल लेते हैं वाई। ठीक है, वाई वेरिएबल लिया मैंने, यहाँ से नल, सॉरी जीरो नहीं, नल, जब खाली हो, मतलब कि जब तक आपके पास कोई क्लिक इवेंट नहीं आए तब इसका जो पोजीशन क्या रहना चाहिए, ये इसी पे रहना चाहिए। ठीक है, मैं एक काम कर देता हूँ, ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो इसके साइज़ जो है अकॉर्डिंग 50-50 ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका 50 पिक्सल, ये 50 पिक्सल कर देते हैं, क्योंकि एनिमेशन में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए इसलिए। ठीक है, तो ये सही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, वापस ज़्यादा स्क्रिप्ट में, कि जब तक क्लिक इवेंट नहीं आया कह सकते नॉर्मल, तब तक नल ही होगा और इसकी पोजीशन जीरो पे ही होगी। तो पहले तो आपको गेट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से हम क्या गेट करेंगे, ये वाला अंदर वाला एनिमेशन, ये टेक्स्ट को गेट कर रहे हैं, इस पर एनिमेशन लगना चाहिए, मतलब इस पर एनिमेशन लगाना है, तो कंट्रोल वी करेंगे यहाँ पे। एक गलती मैंने शायद करी है, ऐसा मुझे लग रहा है, ये पी ना पी है इसलिए ऐसा मुझे लग रहा है, तो डी में भी क्रिएट आप कर सकते, तो बट एक काम करते पी का देखते हैं, बाद में चेंज करेंगे लास्ट में अगर ज़रूरत पड़ी तो।
तो ये हो चुका, इसमें सेमीकोलन कर देते हैं। और यहाँ से अब एक और वेरिएबल ले लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, ये एक काम करते पोजीशन का वेरिएबल ले लेते, पोजीशन पोजीशन, क्योंकि पोजीशन चेंज करवानी है इसकी, ठीक है। और जब ये हो गेट करो और नल वैल्यू, तो इसकी पोजीशन क्या रहनी चाहिए, जीरो रहनी चाहिए। तो मतलब कि यहाँ से तो बेहतर आपको आइडिया आ चुका कि मतलब क्या है। पहले तो वेरिएबल एक्स है, यहाँ से मैंने गलती करी है कि आईडी गेट हो, तो मैं एक काम करता हूँ यार, आईडी, चलो आईडी ले लेते हैं यहाँ पे। क्यों आईडी लिया मैंने, क्योंकि अभी पता तो चले, एक्चुअली यहाँ पे मैं वैल्यू गेट कर रहा हूँ, तो एनिमेशन लिख लेते, चलो ठीक है, इसका एनिमेशन लिख लेते। और ये तीनों मैंने मतलब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा आईडी गेट, जब आईडी ये वाले गेट नहीं हुई तब तक तो इसकी पोजिशन यहाँ पे जीरो रहनी चाहिए, नल होनी चाहिए, मतलब जीरो नल, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बट जब आईडी गेट कर दिए, फिर इसके बाद पोजीशन इसकी जीरो रहनी चाहिए, जब गेट भी हो चुके हैं बट पोजीशन अभी इस टाइम जीरो रहनी चाहिए, तो ठीक है। तो ये आपको बेहतर आइडिया चुका है इसमें। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन लगाएंगे, बट कंडीशन से पहले ये भी करना है कि भाई कंडीशन लगाए उसके पहले यहाँ पे क्लियर करा दो सेट इंटरवल में, मतलब क्लियर इंटरवल में, तो क्लियर कर देंगे इसकी क्लियर इंटरवल, इंटरवल का एक कुछ होगा ये देखिए, क्लियर इंटरवल, और इसका पोजीशन हमें चेंज करना, मतलब इंटरवल को क्लियर करवा देना है। बट किसकी पोजीशन, ये जीरो से आईडी की नल है जो इसका क्लियर करवा दो, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है इसमें। अब क्या करना है, इसी आईडी में सेट इंटरवल लगाना है, बट उसके लिए आपको एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से मैं पहले तो लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, सेट इंटरवल, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर, फंक्शन का नाम के अंदर आपको कुछ सेकंड वगैरह लगाने लगा सकते हो। मैं अभी फंक्शन का नाम क्या रखूँ, माई एनिमेशन, माई फन, माई माई एन यहाँ पे रखते हैं, ये तो ऊपर है ना, माई फन रखते, चलो ठीक है माई फन। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते नीचे माई फन का, फंक्शन माई फन, इसमें हमें प्रॉपर्टी सी एस एस वगैरह लगाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना वो चला जाएगा। तो इसमें माई फन के अंदर लगाइए, और यहाँ से या फॉर्मेट कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आएगी, लेकिन इसके पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी, भाई ये जो है इस तरह से मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है, 360 या 350, यहाँ पे समथिंग इसका साइज होगा 350, ठीक है। तो यहाँ पे 350 नहीं 250 होगा साइज, क्योंकि ये दो दो लगाए हमने, नहीं 350 नहीं, इसमें 150 होगा, क्योंकि ये 200 200 है, तो ये 50 माइनस कट हो जाएंगे, तो 150 आएगी। मुझे लगता है इसमें साइज इंक्रीमेंट करता है, ठीक है, 400 500 दे देते दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 400 दे देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ चुका है, अब यहाँ पे इस तरह से जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से, और यहाँ पे अब सही है। मतलब कि यहाँ पे मैं पोजीशन को क्या करता हूँ, कंडीशन में क्या करता हूँ, यहाँ से इफ कंडीशन के अंदर पोजीशन, हमने पोजीशन लगाया राइट, ये पोजीशन इसका है, तो लगा इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लिखने में दिक्कत आई इसलिए, कंट्रोल वी इक्वल 350, इसका -50 कर दो, ये -50, ये इसके साथ 50 सेट ही है, ये हेड वेट, तो 50 माइनस इसमें से कट कर हो जाएगा, तो फिर 50 यहाँ पे निकाल दो, इस पोजीशन पे हो तब क्या होना है, अब जो ये आईडी है वो क्लियर करवा दो, क्लियर इंटरवल करवा दो। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ से नीचे कंट्रोल वी कर देते, पेस्ट कर देते, ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये इस पोजीशन में नहीं है तो फिर एल्स का भी कुछ करना पड़ेगा, भाई एल्स भी करवा दो भाई, कि क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं होता तो इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो इसके जो पोजीशन है ये वाले पोजीशन, इसका प्लस करवा दो पहले तो, ठीक है, इंक्रीमेंट करवा दो। तो इसके लिए इंक्रीमेंट के लिए नॉर्मली हम फॉर लूप में यूज करते हैं डबल प्लस, वो आपको पता होगा, ठीक है। बट अब स्टाइल भी लगाएंगे, भी स्टाइल एक्चुअली होना क्या चाहिए वो तो पता है, तो स्टाइल कहाँ पे होने चाहिए, एनिमेशन में, एनिमेशन वेरिएबल में हम जो ये वाला गेट करा है राइट, तो एनिमेशन में चेंज होगा राइट, तो एनिमेशन के अंदर हमें स्टाइल लगानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, एनिमेशन डॉट स्टाइल डॉट टॉप इक्वल क्या होना चाहिए, ये जो पोजीशन है इसको ले लेते हैं, मतलब इसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए राइट, तो कंट्रोल वी कर देते हैं, और यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं और कर देते सेमी कॉलन, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते, एक और लगाना पड़ेगा कंट्रोल सी, इसमें पिक्सल वगैरह लगाना पड़ सकता है मुझे ऐसा लग रहा है, बट फिर भी यहाँ पे चेंज कर देते एक थोड़ा, ठीक है, ये लेफ्ट के लिए मैं रखता हूँ, लेफ्ट लेफ्ट में अंदर पोजीशन चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो चुका है यहाँ पे, और ये कर लिया एक्स्ट्रा, कौन सा बच गया यहाँ पे, कहीं पे रह गया है,
इसका कर ली यहाँ से, ये तो मेन होगा राइट, मेन तो अभी ये दिखा रहा है क्योंकि इस बीच में कुछ रह गया है। क्लियर इंटरवल आई डी सेलेक्टर, ये माई फंक्शन, इफ कंडीशन, पोजिशन और क्लियर इंटरवल, ये ना इसमें आएगा क्या बोलते हैं ये इस यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ हो चुका और प्रॉपर आ चुका, ठीक है, ये हो चुका यहाँ से स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं बटन पे इवेंट, कौन सा ये वाला हमें एनिमेशन हमारा कॉल होना चाहिए, देख लेते हैं कुछ चेंजिंग तो होगा जरूर ऐसा मुझे लग रहा है, बट फिर भी देख लेते हैं। यहाँ से ऑन क्लिक, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं बटन कहाँ गया ये रहा, तो यहाँ से कुछ चेंज हुआ ये नहीं जा रहा। एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेंज करते हैं कि डीव के अंदर इसको ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर डीव लिया है तो अंदर पी साइड अलाउड ना भी करे, ये भी है, ठीक है। तो इसको डीव में पहले तो ये चेंजिंग करते हैं, पहला चेंजिंग यही रखते हैं हम, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ओके, यहाँ से कहीं कुछ दिक्कत है, सही है ना, ये अंदर इस तरह से आएगा स्पेस राइट, तो ये आ जाएगा, ये डीव के अंदर आ चुका। एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो कुछ चेंज, क्लिक करते हैं तो चेंज हुआ नहीं हुआ, सही है ना, थोड़ा बिग साइज में कर देते हैं, क्लिक नहीं हुआ ना, मतलब कि वापस जाते हैं। और यहाँ से मुझे अब ठीक लग रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये भी ठीक है, बटन वाला थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और ये जो है पहला वाला इसको थोड़ा स्केप कर देते हैं। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे ही होगी, कुछ चेंजिंग करना है तो यहाँ पे देख लेंगे, पहले तो 350 सेकंड यहाँ पे पिक्सल लगाए थे प्लस करके, कोटेशन पिक्सल में जाना चाहिए ना भैया, तो ये भी देख लेते हैं। वैसे तो इसमें कोई लगाने में तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, हमें कहाँ यहाँ पे चार्जेस देना है, तो क्लिक करते हैं, ये देखिए पिक्सल का भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, और ये देखिए कुछ इस तरह जा रहा है, थोड़ा बिग साइज में जाते हैं तो देख सकते हो ये यहाँ पे आ रहा है, क्लिक करते हैं वापस वहाँ से ऊपर नीचे आ रहा है, देखिए ये एनिमेशन है यूजिंग जावास्क्रिप्ट डॉम का यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आया, ऊपर से नीचे आया यहाँ से और यहाँ पे क्लिक, इसकी साइज़ कम कर देते हैं आपको बेहतर दिखेगा, इसकी साइज़ कहाँ पे कम करेगा, यहाँ से 200-200 पिक्सल कर देते हैं वापस, 400 क्यों करता है मैंने थोड़ा जूमिंग दिखाने के लिए वैसे, बट 200-200 कर देते हैं, कंट्रोल एस करते, तो अब यहाँ पे छोटा हो चुका, क्लिक करते हैं तो ये देखिए साइज नीचे आ चुके, मतलब माइनस उस हिसाब से। लेकिन एक गलती हमने क्या करी पता है, ये जो है अब ये स्क्रॉल पर काम करें, ये कहाँ पे गलती करी, इसमें से माइनस 50 हो गए, 200 में से 150 आएगा ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली ये तो अभी 400 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेट करा था, 350 ये देखिए, तो अब यहाँ पे 150 करना पड़ेगा, इक्वल यहाँ तक आने के तक पोजिशन इसकी रहनी चाहिए, ठीक है, क्लिक क्लियर करते हैं तो 150 पे ये रुक जाएगा, ये देखिए रहेगा रुक गया माइनस 50, जो साइज आपने रखी है उसमें से माइनस 50 ये यहाँ पे जो साइज रखी है उसे अकॉर्डिंग माइनस कर दो, ठीक है, मतलब उतनी माइनस कर दो। तो ये यहाँ पे यूजिंग जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, हमने आज तक डायरेक्ट तो करा है बहुत टाइम लेकिन CSS में, लेकिन ये यूजिंग जावास्क्रिप्ट कैसे करते हैं वो भी तो बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये मैं कर देता हूँ थोड़ा 100 पिक्सल, और फिर देखते हैं इसमें कितना चेंजिंग कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये देखिए थोड़ा गैप कर रहा है, 100 पिक्सल बाहर जा रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, मतलब, और उस अकॉर्डिंग आपको साइज़ में ध्यान रखिएगा, तो मैं 50-50 ही रखता हूँ वापस, और इसका साइज़ चेंज कर दे, चलो ठीक है 300-300 कर देते, तो क्या है बेहतर आपको साइज़ पता चलेगी, कंट्रोल एस, और अब यहाँ पे कोना नीचे और बन रहा है अभी 300-300 पे था, ठीक है, क्लिक कर दे, तो देखिए यहाँ पे रुक गया, ओके यहाँ पे 150 का चेंज करा ना, 300 में से 250 करना पड़ेगा अब वापस 250, तो कंट्रोल एस, अब यहाँ पे पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो चुका एनिमेशन ऊपर से टॉप से बॉटम और कह सकते लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो ये हो चुका और यूजिंग डॉम आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर ये ऊपर नीचे इस तरह से जाए या फिर इस तरह से रुक जाए, तो ये सब कुछ स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है, जैसे स्क्रिप्ट लिखोगे वैसे काम होगा, तो ये मेरी बेसिक स्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एनिमेशन का भी यूज़ कर सकते हो, बेसिक तो मैंने पहले बता दिया, थोड़ा स्टाइल भी कर दिया और CSS भी कैसे यूज़ करना वो भी आपको दिखा दिया डॉम का यूज़ करके। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।